तक हम इसको ये खिलाड़ी नहीं, ये खिलंडरा है। और सुनो, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर ठुकराए और इस मुल्क को एटमी कुवत बनाया, पाकिस्तान की सालियत को मजबूत किया। और इस शख्स ने जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, चंद अरब डॉलर की खातिर पूरे पाकिस्तान को आईएमएफ का जखमाल बना दिया इसने। आज बजट खसारा, उसने 11 साल पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं। सुनो मेरी बात नौजवानों, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, मेरी बात सुनो। ये पाकिस्तान की मईशत आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रही है। मेरे नौजवानों, 9 माह में पाकिस्तान में 1000 अरब से ज्यादा कर्जा इस आदमी ने लिया, जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सुनो मेरी बात, इसके हवारी कहते थे जिस दिन इमरान खान हलफ लेगा 200 अरब डॉलर आएगा, पाकिस्तान का कर्जा अदा करेंगे। आज मेरे नौजवानों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ बैरूनी सरमाकारी में 52% कमी वाकई हुई है। और यार सुनो मेरी बात, आपकी बात कर रहा हूँ, बात में नारे लगाएंगे कि फाइजशारी कहता था ये मोहल्ले में मालदात में रहते हैं, मैं बचत करूंगा। सिर्फ 9 महीने में इन्होंने पिछले साल की निस्बत 723 अरब रुपया इजाफी खर्चा किया है। अवाम पर दवाइयों की होशरबा इजाफे से महंगाई की कियामत बरपा हो गई। जो आदमी 15,000 तनख्वाह लेता है, मुझे बताओ वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, वो अपनी माँ की, बूढ़ी माँ की दवाई लेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, मुझे बताओ वो कहाँ जाएगा। आज मैं पाकिस्तानियों, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं कहता हूँ कि आज अभी ये जो महंगाई का तूफान है, अभी ये आगाज है। अभी आईएमएफ से फॉर्मली इन्होंने मुआवजा नहीं किया, अभी इनकी अकल कम है, अपना जो है वो बातें ज्यादा करते हैं, सोचते कम है, इनको सुनामी की समझ आती है। अभी महंगाई का सुनामी आना बाकी है। बजट के बाद इस मुल्क की गरीब आवाम पर, एक रेड़ी वाले पर, एक मजदूर पर, एक डॉक्टर पर, एक नर्स पर क्या कयामत महंगाई की टूटने वाली है? मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उससे बढ़कर सितम तरीफ ही ये है कि इन नालायकों के पास इस मुल्क की मईशत की डूबती हुई कश्ती को मंदार में से निकालने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। तो मैं उस नीरो से जो बनी गाना में बैठकर आज भी बांसुरी बजा रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूं कि तुम नवाज शरीफ को जेल में डाल लो, मरियम बहन को जेल में डाल लो, ख्वाजा सादरी को जेल में डाल लो, इंजीनियर कमर इस्लाम को जेल में डाल लो, हनीफ अब्बासी को जेल में डाल लो, हाफिज नमान को जेल में डाल लो, लेकिन आप जो 10 महीने में तुमने पाकिस्तान की मईशत का बड़ा करक किया है नियाजी खान, तुम्हें नैब के पीछे नहीं छुपने देंगे। और ये बुजुर्ग, ये पाकिस्तान की कौम, इनका हाथ होगा नियाजी खान का किरदार होगा। Oh, my God.
का नारा लगता है, फिर मरियम नवाज का नारा लगता है। मैं अपनी कौम को बता दूं, तो भाई ये ना मरियम नवाज है ना हमजा शहबाज है, ये नवाज शरीफ का शहबाज है। पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमें मेरे दादा मियां मोहम्मद शरीफ ने इत्तेफाक का सबक पढ़ाया दिया। तुम जो कुछ कर जाओ, ये खानदान सियासी से पिलाई दीवार की तरह मुतिन है और रहेगा। आज कौम पूछती है इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज को क्यों बुलाता है, ख्वाजा आसिफ को नैब क्यों बुलाती है, आज ख्वाजा साद भी जेल में क्यों है। कभी ये किसी ने पूछा कि ये यहां पर सामने मेट्रो बस गुजर रही है, ये कहता था ये मेट्रो बस नहीं ये जंगला बस है, मैं इसको नहीं बनाऊंगा। और भाई कौम को बताना चाहता हूं कि इस नालायक ने 3 मेट्रो बस लाहौर पिंडी मुल्तान से ज्यादा पिशावर में 1 खरब का मनसूबा चला गया, इस नालायक से पिशावर मेट्रो बस आज तक नहीं बन सकी। इसमें 7 अरब की हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। अलीमा खान की 17 ऑफशोर कंपनीज ने गलाई, कोई पूछने वाला नहीं। फैसल वाडा उसकी 13 ऑफशोर फ्लैट निकलाए, कोई पूछने वाला नहीं। खुसरो बख्तियार उसको कोई पूछने वाला नहीं। और हमें अल्लाह पे भरोसा है, हम डरने वाले नहीं, लेकिन न्याजी कोई पूछना पूछे पाकिस्तानी कौम तुमसे जरूर पूछेगी। अल्लाह ताला को आज भी पसंद है, अल्लाह ताला को सच पसंद है, झुकना पसंद है। और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जिस तरह नवाज शरीफ के फैसले में जज ने लिख दिया कि नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसको 4th मरतबा जेल जाना पड़ा शहबाज शरीफ के खिलाफ, ना 1 इंच जमीन ना 1 पाई करप्शन की साबित हुई। हम अल्लाह से डरते हैं, न्याजी के नैब से नहीं डरते। लेकिन आज अवाम की इस भरी अदालत में पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौमी असेंबली में मुतालबा है कि नैब चेयरमैन ने जो इंटरव्यू दिया है उस पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनकर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, वरना न्याजी के एहतसाब को कौम समंदर में तरंग कर देगी। और अभी रमजान का महीना है, मैं वो नवाज शरीफ जो आज जेल में बैठा है, जिसने इस कौम को एटमी कुवत बनाया, जिसने इस मुल्क में वोटर बेस बनाई, जब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में दूर दूर तक मोटरवे का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसने आवाम से वादा किया कि मैं पाकिस्तान के तूल और से गवादर से लेकर पिशावर तक, पिशावर से लेकर पंजाब तक, मैं गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर करूंगा, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की 71 साल तारीख में 16,000 मेगावाट बिजली बनी, और सिर्फ 5 सालों में नवाज शरीफ की क्यादत में हमने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की।
मर्जी कहती रहे। शायद नवाज शरीफ के लिए कह गया और वो सच कह गया। हमारा